So let's see this question. So, the question over here says Answer the following questions based on Meselson and Stahl's experiment on E. coli. A is write the name of the chemical substance used as the only source of nitrogen in the experiment. B why did they allow the synthesis of the light and heavy DNA molecules in the organism? C how did they distinguish the heavy DNA molecules from the light DNA molecules? Explain. D write the conclusion the scientists arrived at at the एंड ऑफ द एक्सपेरिमेंट सो क्वेश्चन में बोला है एक्सपेरिमेंट कर उसके बेसिस पे हमें following questions जो है ये आंसर करने हैं सो so, सबसे पहले बोला गया है यूज किया था फॉर दी सोर्स ऑफ नाइट्रोजन उसको बताना है बी पार्ट में बोला है वाई डिट दे अलाउ दीज ऑफ लाइट एंडी डी एन ए मॉलिक्यूल्स इन दर्गेनिज्म सी में बोला है दैट इन्होंने हेवी डीएनए मॉलिक्यूल्स को लाइट डीएनए मॉलिक्यूल से कैसे एक्सप्लेन डिस्टिंग्विश uh, करा एक्सप्लेन करना है एंड जो डी पार्ट में बोला है कि कंक्लूजन क्या आया था वो बताना है सो द की कॉन्सेप्ट गिवेन एयर इज मिसलसन एंड स्टाइल एक्सपेरिमेंट सो मिसलसन एंड स्टाइल का जो एक्सपेरिमेंट था इट वॉज कंडक्टेड इन नाइनटीन सो so, इससे पहले बहुत डिफरेंट मॉडल्स हमारे जो प्रेजेंट थे कि डीएनए जो है वो हमारा कैसे रेप्लीकेट करता है सो so, इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से बताया था हाउ डी एन सो जो हमारे पहले मॉडल्स प्रेजेंट थे वो थे सेमी कंजर्वेटिव नेचर का रेप्लीकेशन कंजर्वेटिव रेप्लीकेशन एंड डिस्पर्सिव डिसप्लीकेशन सो इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के साथ प्रूव करके बताया था दैट जो डीएनए होता है ये हमारा सेमी कंजर्वेटिव नेचर में रेप्लीकेट करता है सो सेमी कंजर्वेटिव नेचर इज दैट जो न्यू डीएनए सिंथेसाइज होगा इट विल हैव टू स्ट्रैंड्स वन पेरेंट स्ट्रैंड एंड वन न्यू स्ट्रैंड सो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सो so, सबसे पहले ए पार्ट में पूछा है दैट केमिकल का नेम बताना है जो कि ओनली सोर्स था गिवन एक्सपेरिमेंट में नाइट्रोजन का सो द केमिकल यूज फॉर नाइट्रोजन वॉज एनएच फोर सी एल सो एक्सपेरिमेंट में एनएच फोर सीएल यूज किया था दैट इज अमोनियम क्लोराइड फॉर दी And से हमारे जो हैं डिफरेंट आइसोटोप्स निकाले गए थे नेक्स्ट हम uh, बात कर लेते हैं बी पार्ट में सो so, बी पार्ट में पूछा है दैट रीजन फॉर अलाइंग दिंथेसिस ऑफ सिंथिस ऑफ लाइट एंड Heavy DNA बोला हैवी डीएनए मॉलिक्यूल्स क्यों सिंथेसाइज करे थे क्या किया था दो डीएनए दो हमारे सिंथेसाइज करे थे दैट इज लाइट हैवी एंड ये जो इन्होंने इट वॉज टू डिस्टिंग बिटवीन टू डिस्टिंग Between the old that is heavy and newly synthesized that is light. So बेसिकली इन इनो, इनको जो है न्यूली uh, सिंथिसाइज में एंड ओल्ड जो हमारे स्ट्रैंड थे पेरेंट स्ट्रैंड उनमें डिस्टिंग्विश करना था तो इसलिए इन्होंने दो स्ट्रांड जो थे दो डीएनए जो थे वो इनकॉर्पोरेट कराए थे दैट इज हैवी डीएनए एंड लाइट डीएनए सो दिस वाज डन टू ट्रैक हाउ डीएनए एन ओवर जनरेशन सो इनको चेक करना था दैट हाउ डीएनए एन रेप्लीकेट्स ओवर जनरेशन और जो बेसिकली उसका नेचर था वो बताना था सो so, इनको वो पता करना था एंड uh, इनको बेसिकली बताना था, था दी एन कैसे रेप्लीकेट करता है किस नेचर में रेप्लीकेट करता है इसलिए इनको ये डिटरमाइन करना था इसलिए इन्होंने लाइट एंड हैवी डिफरेंट डीएनए मॉलिक्यूल जो थे उनको यूज करा था सी पार्ट में हमें पूछा गया है दैट डिस्टिंग्विशिंग हैवी डीएनए मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लाइट डीएनए सो इसमें बोला है दैट जो डिस्टिंग्विश करा गया था वी डीएनए मॉलिक्यूल्स को फ्रॉम लाइट डीएनए ये कैसे किया था सो so, जो हमारा हेवी डीएनए मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करा गया था फ्रॉम लाइट डीएनए मॉलिक्यूल्स इट वॉज डन सो इट वॉज डन बायूजिंग सेंट्रिफ्युगेशन इन सीएससीएल डेंसिटी ग्रेडियंट सो सीएससीएल सीजियम क्लोराइड व्हाट हैपेंस इज कि यहां पे जो है सेंट्रिफिकेशन किया गया था इन सीएससीएल डेंसिटी ग्रेडियंट अब इसमें क्या होता है यहां पे जो है स्पन करा जाता है डीएनए मॉलिक्यूल्स को एंड जो हमारा हेवी इसकी वजह से जो है यहां पे एक डेंसिटी ग्रेडियंट फॉर्म हो जाता है सो डेंसिटी ग्रेडियंट फॉर्म्स एंड यहां पे देखा जाता है जो हमारा हेवी डीएनए होता है सो देवी डीएनए दैट इज फिफ्टीन एन ये हमारा सेटल्ड हो जाता है एट द बॉटम सेटल बॉटम एंड जो हमारा लाइट डी एन ए होता है दैट इज फोर्टीन एन ये हमारा टॉप पर प्रेजेंट होता है सो so, ये बॉटम पर क्यू सेटल हो जाता है बिकॉज येवी होता है तो इसकी जो डेंसिटी है वो भी हैवी होती है एज कंपेयर टू प्लाइट डीएनए सो नेक्स्ट पार्ट में हमें बोला गया है अबाउट डी इज द कंक्लूजन सो इसमें बोला है दैट इन्होंने कंक्लूड कैसे किया था सो मिसलसन एंड स्टाल कंक्लूडेड द एक्सपेरिमेंट दैट डीएनए रेप्लिकेट्स इन इन अमी कंजरवेटिव नेचर सो डीएनएटिव ने हमारा न्यू न्यूली सिंथेसाइज डीएनए होता है इसमें हमारी दो स्ट्रांड प्रेजेंट होती है सो इट हैज टू स्ट्रांड्स एंड जो इसकी दो स्ट्रांड होती हैं, उनमें देखा जाता है दैट एक स्ट्रैंड होती है हमारी पेरेंट्स स्ट्रैंड, विच इज ओल्ड एंड एक होती है हमारी न्यूली synthesized strand. So therefore, this is the answer for the given question. Hope you understood it well. Best of luck.